खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बीजेपी की इस जीत के पीछे कौन है, तो हर कोई कहेगा नरेंद्र मोदी, लेकिन ये सच है कि जितना योगदान नरेंद्र मोदी का है उतना ही अमित शाह का भी है। अमित शाह की प्लानिंग ने बीजेपी की राजनीति को ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स के तौर पर तैयार किया और फिर हर लेवल पर बीजेपी को रिजल्ट दिलाया। विजय जो है देश की जनता की विजय है, ये विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय। यही अंदाज बीजेपी की ताकत है। 2014 में इतिहास रचने वाले अमित शाह ने 2019 में अपनी ही लकीर बड़ी कर दी। बूथ से पन्ना स्तर तक रणनीति बनाकर कई कड़े फैसले किए, जैसे 119 सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरे उतारे जिनमें से 110 जीत गए, 75 साल से ज्यादा के लोगों को टिकट नहीं दिया, देश भर में सर्वे करवाकर सांसदों का फीडबैक लिया। अमित शाह का यह फैसला इसलिए सही साबित हुआ क्योंकि 2014 के बाद से उन्होंने एक भी दिन आराम नहीं किया। बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में 2014 से ही काम शुरू कर दिया। पूर्वोत्तर की 25 सीटों में से 16 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, बंगाल में बीजेपी 2 से 18 सीटों पर तो ओडिशा में 1 से 8 पर पहुंच गई। बंगाल और ओडिशा से बीजेपी को यूपी में महागठबंधन से हुए नुकसान की भरपाई हो गई। बंगाल के अंदर इतने अत्याचार और जुर्म और रेगिंग के बाद भी 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 5 लोकसभा 5 विधानसभा के चुनाव थे, 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। ये बताता है कि बंगाल के अंदर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल के अंदर अपना वर्चस्व साबित करने वाली है। अमित शाह ने इस चुनाव में 120 हारी हुई सीटों पर ध्यान दिया। देश भर में पीएम मोदी से 17 ज्यादा 161 सभाएं की। चुनाव से पहले अमित शाह ने अपने नाराज सहयोगियों को मना लिया। शिवसेना पूरे 5 साल आग उगलती रही, लेकिन चुनाव से एन पहले अमित शाह ने उसे सारी कड़वाहट भुलाकर अपने साथ खड़ा कर लिया।